हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे पेगासस के बारे में। ये पेगासस क्या है? दो दिन से अभी लेटेस्ट भारतीय संसद ठप हो रही है, इसके कारण विपक्षी पार्टी इस पेगासस को लेकर संसद नहीं चलने दे रही। ये पेगासस है क्या? इस पेगासस के बारे में आज अपन जानेंगे। वैसे पेगासस को हिंदी में कहते हैं कि उड़ने वाला घोड़ा, लेकिन इस पेगासस का एक अर्थ और भी है। ये पेगासस एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और अब इसके बारे में अपन जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसका यूज क्या है और इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। आइए देखते हैं। पेगासस क्या है? यह एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, यानी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाना। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किसी की निगरानी करना फोन के थ्रू या फोन के थ्रू किसी की जासूसी करना, इसका मुख्य रूप से इसका यह काम है। यह काम कैसे करता है, आइए देखते हैं। यह किसी भी फोन को हैक कर सकता है, यूजर को पता भी नहीं चलता है। अब यह बात देखिए, सबसे बड़े पॉइंट की बात देखिए, अगर आपका फोन हैक हो जाता है तो कभी कभी आपको लगता है कि यार मेरा फोन कोई डिस्टर्ब हो गया, कोई अलग तरह के सॉफ्टवेयर, अलग तरह के ऐप्स आ गए जो आपके फोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको कुछ कुछ पता चल जाता है। लेकिन इस ऐप की खासियत है, इस सॉफ्टवेयर की एक खासियत है कि आपका फोन हैक हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आप आराम से कॉल्स करते हैं, आराम से टेक्स्ट मैसेज करते हैं, आराम से व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, आराम से अपने फोटो किसी को सेंड करते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका फोन कोई हैकर्स ऑपरेट कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखिए सॉफ्टवेयर की, इसीलिए दुनिया का सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर और पावरफुल जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसको, क्योंकि आम व्यक्ति को और एक साधारण व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसका फोन हैक हो गया है। और अब देखिए इसमें यह करता क्या है, कैमरा, माइक, मैसेज, कॉल्स, लोकेशन, कॉन्टैक्ट आदि हैकर्स के पास चले जाते हैं। आपका कैमरा, माइक, मैसेज, कॉल्स, लोकेशन, मतलब आप किस किस लोकेशन पर जा रहे हो, आपके फोन के अंदर में कितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये सारी हैकर्स के पास चले जाती है। और इवन जबकि इसमें यह तक भी हो जाता है कि आपका फोन पड़ा है और आपके फोन से हैकर फोन भी कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है कि मेरा फोन पड़ा हुआ है, लेकिन आपका फोन का यूज हो रहा है, आपको पता भी नहीं है। इस पावरफुल सॉफ्टवेयर को देखिए, इसको कहते हैं पेगासस का सॉफ्टवेयर। यह काम इस तरीके से करता है, आपके फोन को पूरी तरीके से वो हैंडल करता है और आपको पता भी नहीं चलता है। ये देखिए, अब ये देखिए फोन में आता कैसे है। सबसे पहले मैसेज लिंक के थ्रू ही आपके फोन में आएगा। अब आप कहोगे सर मैसेज से लिंक के थ्रू आएगा, तो हम तो मैसेज को बहुत से जने कहते हैं कि कोई भी मैसेज आ जाए उसको ओपन ना करना, बैंक की तरफ भी बहुत तरह गाइडलाइन आती है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की पावरफुलनेस देखिए, आप आपके पास मैसेज का लिंक आया और आपने देखा कि मतलब फालतू है इसको ओपन नहीं करना, लेकिन अगर आप इसको क्लिक ना भी करोगे तो भी आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की ये पावरफुल देखिए, इसका ये फीचर्स देखिए कि आप उस लिंक को क्लिक ना करोगे तो भी आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। सेकंड, कॉल्स और मिस कॉल। आपको हैकर्स कॉल करेंगे, आप कॉल उठाओ ना उठाओ वो सॉफ्टवेयर आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और इवन एक मिस कॉल भी अगर आपके फोन में आई ना उस हैकर्स के द्वारा, तो भी आपके फोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये पेगासस सॉफ्टवेयर कितना पावरफुल है, और इसी के कारण इसका बवाल मचा हुआ चारों तरफ की ये क्या क्या कर सकता है। अब ये पेगासस का इतना फेमस क्यों है? अभी ऐसे सॉफ्टवेयर जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, लेकिन पेगासस ही इतना फेमस क्यों है? क्यों बड़ी बड़ी जो विदेशी सरकारें हैं इसको खरीदने के लिए आतुर रहती है, क्यों आखिर इसमें ऐसा क्या है? ये देखिए, इंस्टॉल होने के बाद में, नोट करना, इंस्टॉल होने के बाद में यह फोन किसी भी तरह का फुटप्रिंट नहीं छोड़ता है। एक बार आपके अंदर यह पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो यह किसी भी तरह के फुटप्रिंट, मतलब किसी भी तरह कोई भी निशानी आपके फोन में नहीं छोड़ता है। अगर बहुत सारे ऐप या सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा आपके फोन में पड़े हैं, तो आप उसको मेमोरी में जाके या आपके एसडी कार्ड में जाके आप देख सकते हो कि कहाँ पड़े हैं फोन में, किस जगह। लेकिन
ये सॉफ्टवेयर आपके फोन में किस जगह होता है आपको पता ही नहीं चलता है। मतलब एक अदृश्य रूप में आपके फोन में होता है, मतलब एक फुटप्रिंट, ये कोई सा भी एक भी निशान आपके फोन में नहीं छोड़ता है। सबसे फुल इसकी पावरफुल देखिए, इसीलिए हैकर्स इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बड़ी बड़ी सरकार है इसीलिए सबसे ज्यादा इसको यूज करती है। यानी यह फोन को हैक करेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके अंदर आ गया है, आपको पता ही नहीं है आपके फोन में कितनी मेमोरी खाया है, क्या किया, कुछ किया, आपको पता ही नहीं है, और ऑटोमेटिक आपके फोन को हैक कर दिया और आपको पता ही नहीं चलेगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और सेकंड देखिए, यह फोन लॉक होने पर भी काम करता है। आपने फोन को लॉक करके रख दिया टेबल पर, फिर भी आपको पता ही नहीं और वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, हैकर्स उस फोन में सब कुछ चीजें ले रहा है, किस चीज को क्या भेजनी है, क्या मैसेज करना है, क्या व्हाट्सएप टेस्ट करना है, वो सब कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। यह सबसे बड़ी इसकी खासियत देखिए, यह बहुत ही कम मेमोरी खाता है। मतलब इतनी सी मेमोरी होगी आपके फोन में, वो भी ले लेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह कैसे क्या है। और देखिए, कम बैटरी यूज करता है और कम डेटा इस्तेमाल करता है, सबसे बड़ी खासियत यह है इसकी। थर्ड, यह एंड्रॉइड को तो हैक करता है, करता ही है, लेकिन आईफोन सबसे पावरफुल फोन है इस दुनिया में, आईफोन, या आईफोन को भी हैक कर सकता है। आपने देखा बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े मिनिस्टर, उनके पास आईफोन ही होते हैं, तो सबसे पहले वो आईफोन को भी हैक कर लेता, उसके लिए आईफोन कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में अपन जानेंगे, इसको बनाया किसने और क्यों बनाया इसको, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और अभी यह सुर्खियों में क्यों है, इसके बारे में अपन जानेंगे। देखिए, इसको किसने और क्यों बनाया, देखिए इसको इजराइल की कंपनी एनएसओ ने बनाया। यह कंपनी विभिन्न देशों की सरकारों को बेचती है यह सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को इजराइल की कंपनी है एनएसओ, उसने बनाया है, और ये जो विश्व में बहुत सारी सरकारें हैं, विदेशी सरकारें, उनको ये सॉफ्टवेयर बेचती है। और फिर वापस बेचने के बाद ये कहती है कि इसका अगर मिसयूज होता है तो उसकी जिम्मेदारी ये कंपनी ने लेती है। ये कंपनी तो उन सरकारों को बेच देती है। अब ये सरकार, ये सरकारें अपने देश की सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करती है या अपने स्वार्थ के लिए यूज करती है, उसके लिए ये कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है कि वो क्या कर रही है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने तो सॉफ्टवेयर बेच दिया है। यह कंपनी साइबर वेपन्स बनाती है। अब ये इस कंपनी साइबर वेपन्स बनाती है, जैसे कि इसके आतंकवाद को रोकना, दूसरे खतरों को निपटने के लिए, जैसे किसी देश में बहुत सारे आतंकवाद है तो उस आतंकवादियों की फोन को हैक करना, उनमें तरह तरह की कॉन्टैक्ट लिस्ट लेना, ऐसे खतरों से निपटने के लिए कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है। और किसी के अगर कोई देश में कोई आक्रमण होता है उसको भी अगर बचाने के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ताकि वो एक दूसरे फोन पर क्या बात करें, क्या नहीं करें, उसको सारा पता लगा जा सके। यह कंपनी 40 देशों के 60 सरकारी ग्राहक हैं इसके, यानी 40 देश है इस वर्ल्ड में, उसके इसके सारे 60 सरकारी ग्राहक है इसके, और 750 इसके कर्मचारी हैं इस कंपनी के, और इस कंपनी का 1800 करोड़ का व्यापार है। देखिए, इस सॉफ्टवेयर की कीमत लाखों करोड़ों अरबों डॉलर में इसकी कीमत है, लेकिन इसकी एक्चुअल कीमत अभी तक सामने नहीं आई है। अभी ये पेगासस सुर्खियों में क्यों है, कारण पेरिस की एक संस्था है फॉरबिडन स्टोरीज एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके पास 50,000 लोगों की लिस्ट आई है जिनके ऊपर ये पेगासस सॉफ्टवेयर हैक कर रहा है। 50,000 लोगों की लिस्ट इस संस्था के पास आई है। अब इस संस्था के पास, उसमें जो 300 नाम हैं वो भारत के हैं। अब देखिए किन किन लोगों को नाम है, जिसमें 40 पत्रकार हैं, 3 विपक्ष के नेता हैं और 2 मोदी सरकार के मंत्री भी हैं। अब ये 300 लोगों की लिस्ट आई है भारत के अंदर में, जिसमें से देखिए कि 40 तो पत्रकार हैं और 2 खुद मोदी सरकार के मंत्री हैं, उनको भी पेगासस सॉफ्टवेयर हैक कर रहा है। अब किसके थ्रू हैक कर रहा है क्या पता ही, देखिए। अब रहा सवाल ये, क्या भारत सरकार किसी का फोन हैक कर सकती है? जी बिल्कुल हैक कर सकती है। आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 69 और टेलीग्राफ एक्ट 1985 के सेक्शन 5 के तहत भारत सरकार को अधिकार है कि वो किसी का भी फोन हैक कर सकती है, लेकिन वो किस कंडीशन में कर सकती है, कंडीशन भी नोट करना आप, संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा। अगर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो तो ये फोन हैक किया जा सकता है। आप कोई अपने इंडिया भारत सरकार की जो संस्था है
वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी का भी फोन हैक नहीं कर सकती है। हाँ, देश की अगर सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो, अखंडता खतरे में पड़ रही हो, संप्रभुता खतरे में पड़ रही हो, तो आप बिल्कुल बेशक आप किसी का भी फोन हैक कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं और आप अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई भी फोन हैक कर रहे हो, तो इसके लिए एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि आईटी एक्ट की 66B के तहत 3 साल की सजा हो सकती है। 66B के तहत 3 साल की सजा भी हो सकती है अगर आप निजी स्वार्थ के लिए फोन हैक कर रहे हो। तो अभी भारत सरकार जो मंत्री हैं, आईटी मंत्री अश्विनी चौबे जी, वो भी कह रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अभी हाल ही में कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, भारत सरकार ने इसे किसी भी तरीके से कोई भी फोन टैपिंग नहीं कराई है और ये जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।